Hello friends, welcome in my YouTube channel Success Coaching Center. Friends, आज मैं आपको BSc second year में prepared paper हुआ 2019 में, okay? उसमें मैं आपको fourth math है, linear algebra and matrix. इसमें क्या-क्या question आए हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ. Friends, video start करने से पहले आप सभी मेरे channel को subscribe कर लें और साथ ही bell icon press कर लें. जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से और सबसे पहले मिलेगी. ये देखिए हमारा यहाँ पर सेक्शन स्टार्ट होता है. ओके फ्रेंड्स, इसमें भी हमें सिमिलरली 10 क्वेश्चन दिए होते हैं सेक्शन ए में. ओके, एंड इसमें कोई चॉइस नहीं होती, और क्वेश्चन करने कंपल्सरी होते हैं. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन ए होगा दिया हुआ है. यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हैं. ओके, ये हमारे 4 क्वेश्चन हैं. वन बाय वन देख लीजिए, इससे आपको बैग की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ही आसानी होगी और आप इजीली अपनी बैग क्लियर कर पाएंगे. फ्रेंड्स, मैथ का जो पेपर होता है वो बीएससी का सेम होता है, बट बी के मैथ के मार्क्स होते हैं वो 33 मार्क्स का होता है, एंड ये पेपर बीएससी के लिए 65 मार्क्स का होता है. ओके, ये पेपर सीसीएसई यूनिवर्सिटी का है. तो अगर आप उस यूनिवर्सिटी से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ईजी फॉर्मूला है. फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं. अब हमें 4 सेक्शन दिए हुए हैं. लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें हमारे सेक्शन हमारे बी सी डी एंड ई. इसमें हमें 1 क्वेश्चन करना होता है, 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, उनमें से हमारे पास 24 में क्वेश्चन होता है. तो आपको जो क्वेश्चन आता हो आप उसे ही. फ्रेंड्स, ये हमारा सेक्शन बी, आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें ए एंड बी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं. आप चाहें तो इन 2 क्वेश्चन को कर सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 में जो ए और बी दिए हुए हैं आप इन दोनों को कर सकते हैं. तो आपकी चॉइस होती है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में से कौन सा चूज़ करेंगे. सेम आप देखिए सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है. तो इन दोनों में से आपको जो भी क्वेश्चन आता हो आप वही क्वेश्चन कीजिए. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन डी. सेक्शन डी में आपको क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ए एंड बी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको दोनों करने ज़रूरी हैं. ओके फ्रेंड्स, या फिर आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट कर सकते हैं. इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से आता है तो आप क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट कीजिए. ओके, लास्ट सेक्शन हमारा सेक्शन ई. यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या आपके बी सेक्शन में आपको इनवर्स दिया हुआ है. आपको ई ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए ए इनवर्स फाइंड आउट करना. अच्छा, इसमें आपको ए की वैल्यू दी हुई है. ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं. फ्रेंड्स, इससे आपको पेपर की प्रिपरेशन करने में बहुत आसानी होगी. आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.